गुड मॉर्निंग भाई सभी को। टॉपिक हमारा आज का रहेगा हरियाणा के सभी एग्जाम्स के लिए, और टॉपिक ऐसा है कि इसे प्रत्येक एग्जाम में दो तीन प्रश्न आते रहते हैं। एसएससी जीडी की तैयारी, भाई जीडी की तैयारी तो फिर देखो ये है ना, एक दो याद आगे बैच चला देंगे ऑफलाइन जब कभी खुलेगा तो, बाकी फिलहाल तो कोई इतनी उम्मीद है नहीं ऑफलाइन की, तो ऑनलाइन पे थोड़ा ध्यान दो। फिलहाल में चलाएंगे बैच और एक मैं खुद भी चलाऊंगा स्पेशल जीके के लिए तो जल्दी ही। तो भाई टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। विषय रहेगा आज का हमारा हरियाणा के डिविजन्स। एक बार इन छह डिविजन्स के नाम नोट कर लेंगे कि भारत में हरियाणा में छह मंडल कौन कौन से हैं, फिर प्रत्येक के बारे में जो खास बातें हैं वो पढ़ेंगे, इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जानने का प्रयास करेंगे। जैसे अंबाला डिवीजन है, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल और रोहतक, इन सभी छह डिवीजन्स के नाम नोट कर लें। चलो टॉपिक करते स्टार्ट। अभी पहले अंबाला डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं। अंबाला डिवीजन में ये जिले आएंगे, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर, इनके भी नाम नोट करेंगे। भाई अमन कुमार जो लिंक मैंने भेजा हुआ है बहुत जल्द उसके ऊपर काम करेंगे, एक दो दिन तो उसका डेमो ले रहे फिलहाल उस ऐप पे, अगर वो डेमो सही रहता है तो उसके बाद कोई दिक्कत है नहीं मेरे ख्याल में उसमें, तो जल्दी इस पे क्लास करेंगे और बहुत कम फीस पे क्लास करेंगे उसमें। सारे बच्चे जितने भी हैं चाहे किसी भी घर परिवार से बड़े आराम से पे कर सकेगा, इतनी कम फीस पे बैच स्टार्ट करेंगे। भाई मुसीबत का जो है थोड़ा बहुत समय था, सरकार ने बहुत कुछ बंद कर रखा है तो इसलिए कई परिवारों की आमदनी बंद है, तो कम फीस पे प्रयास करेंगे, बहुत कम फीस पे। देखो इसमें चार जिले आते हैं अंबाला डिवीजन में, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर। पहले पढ़ते हैं हम अंबाला के बारे में, हमारे डिवीजन का पहला ही जिला है। देखे भाई अंबाला का जो निकनेम है वो क्या है, साइंस सिटी, इसको उतारेंगे। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। भाई ये क्लास है ना, जो बच्चे इसको एयरफोर्स के लिए देख रहे हैं, ये मैंने पहले बता दिया ये क्लास एयरफोर्स के लिए नहीं है, मैं इसको शुरू में कह रहा हूं ये क्लास सिर्फ हरियाणा के लिए है, हरियाणा के एग्जाम के लिए है, ज्यादा फोकस रहेगा हरियाणा के एग्जाम के लिए, इसलिए अपने हिसाब में वीडियो को देखें। मैंने कहूंगा भाई सारे बच्चे इस वीडियो को देखो, जिसको जरूरत है सिर्फ वो वीडियो को देखें। बाकी को लगता है तो बेशक टाइम वेस्ट मत करियो, ना मैं करूंगा तुम्हारा टाइम वेस्ट, ये क्लास सिर्फ हरियाणा के लिए है, पहले बोल दिया है। और रही बात भाई एग्जाम स्ट्रेटजी की, तो करते हैं बाद में बात, फिलहाल एक बार क्लास कर लेते थोड़ी सी, बीच में टाइम मिलेगा तब देखते हैं। फिर अंबाला का नाम है साइंस सिटी, यानी वैज्ञानिक उपकरणों का शहर। अब अगर बात करें अंबाला का जो नाम है इटिमोलॉजी, उसके नाम का अर्थ क्या निकलता है, अंबाला के नाम के तीन अर्थ निकल सकते हैं। एक ये कि अंबा नामक राजपूत, अंबा राजपूत के द्वारा 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई, अंबा राजपूत के द्वारा जो है 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई। दूसरा इसमें कारण क्या हो सकता है, भवानी अंबा जो देवी अंबा है उसका मंदिर यहां पे है, इसलिए शायद इसका नाम पड़ा होगा अंबाला, अंबा देवी के नाम से। तीसरा इसमें जो है अंबावाला, अंबावाला से बना अंबाला, इसका मतलब क्या है, हरियाणा में आम को आंब कहते हैं, आंब, ठीक है, हरियाणा में आम को बोलते हैं आंब, तो आंबो वाला,
इसलिए भी शायद यहाँ पे कुछ आम के बगीचे बहुत सारे हैं अंबाला के आसपास में, तो इस कारण भी इसका नाम शायद अंबाला पड़ गया होगा। ये इसके जो है नाम का अर्थ ये निकलेगा। भाई फिलहाल तो देखो जो ये एग्जाम है चाहे पुलिस का हो या कोई भी, भूल जाओ जल्दी सी। तो मैं थोड़ा ये मान के चलो कि लॉकडाउन के बाद कहीं पॉसिबल है, अगस्त मान सकते हो शायद, अगर तीसरी लहर जो है कोरोना की तगड़ी नहीं आई, ठीक ठाक रही, तो शायद जल्दी एग्जाम करवा लेंगे। और बाकी तीसरी थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है, तो इसलिए जो है कोई फिलहाल में गारंटी नहीं है कि कब एग्जाम होने के चांस है, वो तो आने वाला टाइम बताएगा। तो तीन प्रकार से जो है इसके नामकरण का अर्थ हम निकाल सकते हैं, लेकिन जैसा भी है आप लोग पढ़ते रहें अपने घर पे, क्लास चलती रहेंगी कैसे भी हो जाए। तीन प्रकार से इसका नामकरण पॉसिबल है, अंबा राजपूत के नाम पे, देवी अंबा के नाम पे, आमों के बगीचे के नाम से भी इसका नाम हो सकता है। एग्जाम में जो ऑप्शन मिलेगा उसी पे टिक करना है, या तो ये या फिर ये, कोई एक मिलेगा। अभी जो बात इस बात देखें कि अंबाला जो है उसकी लोकेशन क्या है। अंबाला सेपरेट द गंगा रिवर नेटवर्क फ्रॉम द इंडस रिवर नेटवर्क। इसका मतलब है कि अंबाला जो है, इसका मतलब यह रहा कि अंबाला दो प्रकार की नदियों को डिवाइड करता है। हमने यह मान लिया कि अंबाला इस लोकेशन पे है, ये एक शहर है अंबाला, और ये एक प्रश्न जो है लगभग कई एग्जाम के अंदर आ चुका है, न सिर्फ हरियाणा बल्कि अन्य एग्जाम्स के अंदर भी। इसके यहां से जो नदियां निकलती हैं इधर से, वो नदियां हैं सिंधु की नदियां, इंडस सिंधु की नदियां हैं इसके इस तरफ, और अंबाला थोड़ा सा ऊंचा स्थान पड़ता है आसपास के भाग से। दूसरी जो नदियां हैं वो निकलती इसके इधर से, यूं बहके चली जाएंगी। ये नदियां हैं गंगा वाली, गंगा की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंबाला जो है दो प्रकार के नदियों को डिवाइड कर रहा है, एक इंडस को और गंगा वाली को। तो सिंधु और गंगा नदी प्रणाली को जो अलग करता है उसको बोलते हैं अंबाला। भाई एयरफोर्स के लिए जो बच्चे पूछ रहे हैं या कोई और के लिए भी, आर्मी एयरफोर्स वगैरह जैसा भी है, मैंने वैसे बताया हुआ है टेलीग्राम पे। जो बच्चे वहां नहीं है मेरे टेलीग्राम पे, वहां जाके डाल दिया करो मैसेज, क्लास में फिर ठीक रहता नहीं बीच बीच में। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके बाई जयवीर सर, वहां पे जाके आप डाल दो भाई मैसेज, बल्कि व्हाट्सएप पे सॉरी आप ज्वाइन कर लो, वहां मिल जाएगा। देखो उसका नाम ये मिलेगा जीके बाई इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां जाके उस पर मुझे डाल देना मैसेज, चैनल है और मेरा वहां पे अकाउंट भी है, उस पर कर लेंगे। तो बीच बीच में भाई इसमें जवाब दे नहीं पाऊंगा मैं, टॉपिक पूरा करना है। तो अंबाला जो है इन दो को डिवाइड करता है, गंगा को और सिंधु की नदियों को, और जो स्थान दो प्रकार के नदियों को डिवाइड करता हो उसको बोलते हैं वाटर डिवाइडिंग। तो ये एक वाटर डिवाइडिंग सिटी कहलाता है भारत का। कभी प्रश्न आ जाए कि भारत का वाटर डिवाइडिंग सिटी किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं अंबाला को। अगर ये पर्वत होता तो हम क्या बोलते, वाटर डिवाइडिंग रेंज। एग्जाम्पल अरावली, हम अरावली पर्वत को बोलते हैं वाटर डिवाइडिंग रेंज। डिवाइडिंग जो कि छोटा सा पॉइंट है, इसको देखें एक बार, इससे कई प्रश्न एग्जाम में आते हैं, मैंने कई बार इसको देखा है प्रश्न को। ये डिवाइड शब्द का यूज करके तीन चार बार लगभग हर एग्जाम के अंदर प्रश्न आए हैं, इसको नोट कर लेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये डिवाइड। देखो इस डिवाइड के बारे में तीन जानलेवा प्रश्न कौन से हैं। एक प्रश्न आता है ग्रेट वाटर डिवाइडिंग सिटी, अगर प्रश्न आ जाए ग्रेट वाटर डिवाइडिंग सिटी ऑफ इंडिया, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या है, अंबाला। अगर डिवाइड सिटी पूछता है सिटी, तो आंसर क्या आया, अंबाला। अगर पूछता है ग्रेट वाटर डिवाइडिंग माउंटेन, अगर वो पूछता है माउंटेन, तो उत्तर क्या आएगा फिर, अरावली, अरावली पर्वत। वो दो नदियों को डिवाइड करता है, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, दूसरी अरब सागर में गिरने वाली। अरावली पर्वत दो नदियों को डिवाइड कर रहा है, एक वो जो अरावली पर्वत के इधर से निकल के जा रही है बंगाली खाड़ी की तरफ, दूसरी वो जो इस तरफ से निकल के इधर आ गई, वो कहां पे, अरब सागर में।
तो इसलिए अरावली को बोलते हैं वाटर डिवाइडिंग रेंज या वाटर डिवाइडिंग माउंटेन ऑफ इंडिया, महान जल विभाजक पर्वत अगर कहें तो हिंदी में जल विभाजक श्रेणी। अगर जल विभाजक शहर आता है तो अंबाला है, और डिवाइड से एक क्वेश्चन और आता है, उस घटना के 100 साल पूरे हो चुके, इसलिए उससे प्रश्न आने के पूरे चांस हैं। 1921 क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक। नोट करने का प्रश्न है, सभी एग्जाम में आता है ये डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर, इसको हिंदी में कहते हैं जनसंख्या विभाजक वर्ष। जनसंख्या विभाजक वर्ष कौन सा है? तो यह आएगा उत्तर 1921। 1921 के साल में भारत में अब तक के इतिहास में पहली बार और आखिरी बार जनसंख्या कम हुई थी, और जनसंख्या कम होने के पीछे सबसे बड़े जो दो कारण थे, एक था 1918 से 1920 तक चलने वाली बीमारी जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू, लगभग उस तरह की अभी चल रही है कोरोना, तो 1918 से 1920 में चली थी, इसको बोला करते स्पेनिश फ्लू। उस स्पेनिश फ्लू से बहुत सारे लोग मारे गए थे इंडिया में, करोड़ों की संख्या में। और दूसरे है मेन कार्ड क्या था एक और साथ में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें भारत का हिस्सा लेना। तो इन दो कारणों से जनसंख्या भारत में कम हुई थी, और एक बड़ी घटना अब चल रही है लगभग 100 साल के बाद, तो वो 1918 से 1921 तक बीमारी चली थी, ये 2019 के लास्ट में आई है। तो भाई डिवाइड के बारे में तीन प्रकार से आती, अगर डिवाइड सिटी आता है तो अंबाला है, डिवाइड माउंटेन आएगा तो अरावली है, और डेमोग्राफिक डिवाइड आएगा जनसंख्या को डिवाइड करने वाला, फिर आएगा 1921 का साल। चलो टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, यहां उसके बाद देखें अंबाला के विषय में। अंबाला इसको बोलते हैं जुड़वां शहर, हरियाणा का जुड़वां शहर है ये, क्योंकि अंबाला में क्या है, एक अंबाला कैंट है और एक अंबाला सिटी है, दो शहर है अंबाला में, एक अंबाला कैंट और एक अंबाला सिटी। अंबाला कैंट आते हैं प्रश्न यहां से, जो अंबाला कैंट है इसकी स्थापना 1843 में हुई है, इसको ऐड कर लेंगे 1843 में अंबाला कैंट, 1843। उसके बाद ये बाकी छोड़ देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ ये कर सकते हो, यूरोपियन की जो यूरोपियन लोग थे यूरोप के, उनकी कब्र यहां पे है, सिमिट्री यूरोपियन कब्रिस्तान यहां पे है अंबाला में, जब यहां पे यूरोप के लोग रहा करते कुछ अंग्रेज थे तो उनकी सिमिट्री बनी हुई है पे, कब्र कब्रिस्तान यहां पे है, ये है वो अंबाला कैंट और उसके आसपास की जो सिमिट्री थी उसका एक चर्च का दृश्य जो यहां पे हुआ करती, वो चर्च ये उसका दृश्य है उस समय का, आजकल के ऊपर खैर 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय इसके ऊपर बमबारी की गई थी, आज तो खैर ऐसा नहीं बचाइए, ये बहुत पहले का फोटोग्राफ है, 65 की बमबारी में इसको तोड़ फोड़ दिया गया था। उसके बाद ये देखें बैटल ऑफ अंबाला, जो बैटल ऑफ अंबाला है 1709 में हुई थी, यानी अंबाला की लड़ाई, और इस अंबाला की लड़ाई में यानी सिख कैप्चर्ड अंबाला फ्रॉम मुगल्स, मतलब क्या है कि सिखों ने मुगलों से अंबाला को छीन लिया था, अंबाला की लड़ाई में सिखों ने मुगलों से अंबाला को छीन लिया था। नेक्स्ट जो है देखेंगे इसमें अंबाला कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन, इसमें एक बात ऐड कर लेंगे, दिल्ली के बाद शताब्दी एक्सप्रेस के मामले में, दिल्ली के बाद शताब्दी एक्सप्रेस चलने के मामले में अंबाला जो है पहले स्थान पर है, यानी पहले पे दिल्ली है, अगर हम दिल्ली को छोड़ देते हैं तो फिर अंबाला शताब्दी एक्सप्रेस अधिक यहां से निकलती है दिल्ली के बाद। और अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो मान के चलो कि जो बच्चे एयरफोर्स के एग्जाम की तैयारी करते हैं उनमें भी
प्रश्न यहां से आने के चांस हैं। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, देखिए इसके बारे में प्रश्न क्या बनेगा। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन इज द होम टू द फर्स्ट बैच ऑफ एडवांस मल्टीरोल फाइटर जेट डसॉल्ट राफेल्स। इसका मतलब क्या है, राफेल जहाज जो इंडिया में आए हैं, राफेल जहाज पहली बार जो इंडिया में आए वो अंबाला में शामिल किए गए हैं। इसको नोट कर लेंगे, राफेल जहाजों का जो फर्स्ट बैच है वो अंबाला में शामिल किया गया है। और रही बात अंबाला में पट्टी बनने की, अंबाला में एयरपोर्ट या एयर पट्टी स्ट्रिप कब बनी, वो हवाई पट्टी बनी थी 1919 में। अंबाला की हवाई पट्टी 1919 में बनी है और ये हरियाणा की पहली है। हरियाणा की पहली, उसके बाद इस पॉइंट को नोट करेंगे, हरियाणा के एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे इसको नोट कर लेंगे। FIS फ्लाइंग इंस्ट्रक्शन स्कूल, वो भी यहीं पे स्थापित किया गया अप्रैल 1, 1948 को। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, फ्लाइंग इंस्ट्रक्शन स्कूल। अड़तालीस में इसकी स्थापना हुई अंबाला में। उसके बाद जो है, बाद में इसको अंबाला की बजाय तंबरम, जो कि तमिलनाडु में है, तंबरम में स्थापित किया गया। इसको भी ऐड कर लेंगे, बाद में इसको तंबरम जो कि तमिलनाडु में है वहां पे इसको स्थानांतरित किया गया अंबाला से। यानी अब ये अंबाला में नहीं है, जब बना उस समय यहां पे था, अभी तमिलनाडु के तंबरम में है ये। इसको छोड़ सकते, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। राफेल, अब देखिए जो राफेल की बात चल रही थी वो क्यों इंपॉर्टेंट है। राफेल एट अंबाला जो फर्स्ट बैच है, उस फर्स्ट बैच में 5 राफेल जहाज जो है मंगवाए गए भारत में। समय क्या था, 27 जुलाई 2020, पिछले वर्ष 27 जुलाई 2020 को 5 राफेल जहाज भारत में उनका आगमन हुआ अंबाला में। कुल मिलाकर 36 राफेल जहाज भारत में आने हैं, 36 राफेल जहाज, जिनमें से 5 आ चुके पहले ही अंबाला में आ गए। फिर यहां से प्रश्न क्या आएगा, फर्स्ट इंडियन पायलट टू फ्लाई राफेल इज एयर कमोडोर हिलाल अहमद। ये जो हिलाल अहमद हैं, ये हैं भाई पहले व्यक्ति, पहले व्यक्ति जिन्होंने राफेल को उड़ाया भारत की तरफ से। और अगर प्रश्न आ जाए फर्स्ट वुमेन, पहली महिला के बारे में पूछे, तो उत्तर क्या आएगा, शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह फर्स्ट वुमेन सेट टू फ्लाई ए राफेल फाइटर जेट इन इंडिया। उसके बाद ये अंबाला में ही एक जेल, उस अंबाला जेल में हैंगिंग ऑफ महात्मा गांधी असैसिन नाथुराम गोडसे, जो नाथुराम गोडसे है उसको फांसी कहां दी गई थी, ये हमारे एग्जाम में आ चुका प्रश्न। नाथुराम गोडसे जिन्होंने गांधी की हत्या की थी, उनको फांसी यहां पे दी गई थी अंबाला की जेल में, जनवरी 30, 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। इसको हम छोड़ सकते हैं, इसका जिक्र हमारे काम का नहीं है। हां, अंबाला में एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम नोट कर लेंगे, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना में है, मुलाना अंबाला में।
महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, इतना ही पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद ये था हमारा इसमें अंबाला जिले के बारे में। अंबाला के बाद अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके बाद हम प्रश्न लेंगे इनके, कुछ प्रश्न भी यहां से लेंगे। फिर कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र इसका नाम है अन्य धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, लैंड ऑफ द भगवत गीता। हरियाणा के एग्जाम में इससे प्रश्न बिल्कुल आएंगे इस टॉपिक से, तो भाई रोज रोज ये कहना पड़े उससे अच्छा है अपने दोस्तों के पास या ग्रुप्स जो तुम लोगों ने ज्वाइन कर रखे वहां पर वीडियो को शेयर किया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो। अगर लग रहा है कि वीडियो अच्छी है, हमारे काम की है, तो शेयर भी करना चाहिए। तो उसके बाद देखें नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र इसका जिक्र कहां पे आता है। कुरुक्षेत्र का जिक्र देखें, वामन पुराण है हमारा एक, जो हमारे पुराण लिखे गए थे 18, उन 18 पुराणों में से एक ये भी है वामन पुराण। उसमें इसका जो नाम है किंग कुरु, द एंसेस्टर ऑफ कौरवास एंड पांडवास एज डिपिक्टेड इन एपिक महाभारत, यानी उसमें इसका जिक्र है वामन पुराण में, किंग कुरु का जिक्र भी आता वहां पे, ठीक है, उसके नाम पे भी है। और इसको चाहे नोट ना भी करें, काम चल जाएगा। और ऐसा बताया गया है कि हरियाणा जो है या जो कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र पहले इस नदी किनारे पे था। देखो यहां से प्रश्न आ चुके एग्जाम में, बिल्कुल अभी जो है इस एग्जाम में प्रश्न आए हैं, जो ये नदी है सरस्वती, सरस्वती नदी किनारे था कुरुक्षेत्र। और ऐसा माना गया है कि यह नदी कब सूखी है, 1900 ईसा पूर्व में यह नदी सूख चुकी थी। यह प्रश्न हरियाणा वाले एग्जाम में आ चुका है। यह नदी सूख चुकी थी भाई। एग्जाम क्लियर तो देखो हो जाएंगे, एग्जाम क्लियर करना कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। अगर ये सोच के करोगे एग्जाम की मैंने एग्जाम करना है, एग्जाम करना है, एग्जाम ना होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा भाई, फिर तो एग्जाम नहीं होना। इतना डर के जियोगे कि मेरा एग्जाम क्लियर हो गया तो मैं ये कर लूंगा, अगर उसको भरोसे रख के कुछ अपने प्लान बना रखे हैं, फिर तो गलत तरीका है, फिर तरीका बिल्कुल गलत है। तरीका ये रखो कि हमने बस पढ़ना है और ये चीज पढ़नी है और डेली हिसाब से पढ़नी है, एग्जाम अपने आप क्लियर हो जाएगा, चिंता छोड़ दो। सुखबीर हिंदी में, भाई पते को बता रहा हूं हिंदी में, साथ साथ में मैं सबकी हिंदी कर रहा हूं, कि नदी सरस्वती जो है वो 1900 ईसा पूर्व में सूख चुकी थी। कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो देखने वाले उनको फिर एकदम से दिक्कत फिर हिंदी में, तो इसकी मैं हिंदी कर रहा हूं साथ साथ में, जो बताऊं सिर्फ उतना नोट करना है, यह नदी 1900 ईसा पूर्व में सूख चुकी थी, बस इतना ही काफी था इसमें। उसके बाद जो है एक हमारे राइटर रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है कुरुक्षेत्र, बस इतना लिख लेंगे इसमें। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कुरुक्षेत्र नाम से एक उपन्यास की रचना की गई थी, आ चुका है एग्जाम में प्रश्न ये भी। चलो उसके बाद देखें, रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास का नाम था कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट, अब प्रश्न जो है थोड़ा समझने का है, इसको भी नोट ना करें। बात यह है कि राजा कुरु ने इस जगह का चुनाव क्यों किया, मैं इसकी हिंदी बोल रहा हूं, कि राजा कुरु ने इसका चुनाव क्यों किया कि इस जगह बसने का। देखो जब इनकी जमीनों का बंटवारा हुआ था
तो राजा कुरु के बाटे जो जमीन जो आई थी वो ये जगह थी, इसका नाम दिया गया कुरु जंगल। शुरुआत में ये एक जंगल था और इसलिए इसको नाम दिया गया कुरु जंगल। कुरु जंगल मतलब कुरु के बाटे आए, कुरु के हिस्से में आए, फॉरेस्ट जंगल। तो फिर कुरु ने क्या किया, अब कुरु ने सोचा भाई मैं इसका, देखो प्रश्न है कि कुरु ने इसका चुनाव क्यों किया, यानी क्यों वो यहां पे रहने को राजी हो गए थे। तो कुरु ने यहां पे हल चलाया और हल चला के इन जंगलों को साफ करवाया पहले, फिर हल चला के इसके बनवाए खेत, और खेत को प्राचीन संस्कृत भाषा में कहते हैं क्षेत्र। क्षेत्र से बना खेत्र और खेत्र से क्या बना फिर खेत। तो इस प्रकार कुरु के जंगल से बने कुरु के खेत, उसको नाम दिया कुरुक्षेत्र। अब बात है कुरुक्षेत्र का चुनाव क्यों किया गया था। एक देखो मेन तो कारण था कि बोले कि दो वरदान उसको दिए गए हैं, विष्णु भगवान विष्णु जो हैं इंप्रेस हुए किंग कुरु की मेहनत के दम पे। राजा कुरु ने जो मेहनत करी, जो अपनी मेहनत के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा उस जंगल को साफ करके, जंगल झाड़ी साफ करके खेत बना दिए, उस मेहनत के बाद विष्णु प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कहा भाई मैं आपको जो है दो वरदान देने को तैयार हूं, आप दो वरदान मांग लीजिए। वो दो वरदान क्या थे, पहला क्या है कि दिस लैंड फॉरएवर विल बी नोन एज ए होली लैंड। वो बोले कि जी इस धरती को आप वरदान दो कि यह धरती हमेशा पवित्र कहलाएगी। दो वरदान थे, एक तो ये मांग लिया पवित्र कहलाएगी, बोले भाई ठीक है तथास्तु, वरदान दे दिया। फिर बोले कि सेकंड दैट एनीवन डाइंग ऑन दिस लैंड विल गो टू हेवन। बोले कि दूसरा वरदान ये है कि यहां मरने वाला व्यक्ति सीधा स्वर्ग जाना चाहिए, किसी और जगह पे नहीं। ये नहीं कि इसको क्या नाम जो है स्वर्ग फुलफिल रहा है, स्वर्ग में उसकी एंट्री नहीं होगी। बोले कि जो यहां मरेगा उसकी एंट्री तो स्वर्ग में होनी चाहिए। बोला ठीक है, तो इसलिए जो है इस धरती को पवित्र मानते। ये वैसे भाई पौराणिक कहानी है, इसमें दम कितना है अभी विज्ञान इसको प्रूव नहीं कर पाई क्या चीज है ना। मैं कहता कुछ हिस्टोरिकल लोकेशन देखें क्या है। जो ये कुरुक्षेत्र है ये दो नदियों के बीच का स्थान है। ऐतिहासिक रूप से अगर बात करें, ऐतिहासिक रूप से दो नदियों के बीच का स्थान था ये, सरस्वती और दृष्टवती। हिंदी में नोट करने वाले नोट कर लेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन है सरस्वती और दृष्टवती के बीच का स्थान। उसके बाद ये धरती पवित्र मानी गई है, तो इसलिए इसमें एक नया प्रश्न है ऐड करने लायक। इसको शाकाहारी शहर का दर्जा प्राप्त हो गया है, वेजिटेरियन स्टेटस नोट कर लेंगे। इस शहर को शाकाहारी शहर का दर्जा दिया गया है। शाकाहारी दर्जा प्रदान किया गया है, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट डिक्लेयर कुरुक्षेत्र ए होली सिटी एंड द सेल पोसेशन एंड कंजम्पशन ऑफ मीट आर बैंड विद इन द लिमिट्स ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये कहा सरकार ने, क्योंकि ये एक पवित्र शहर है इसलिए इस शहर में इसका जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसकी जो नगर पालिका जो क्षेत्र बनता है कि उसके अंदर किसी प्रकार की बिक्री, उसको रखना, मांस को उसको बेचना, खाना वगैरह ये सब बैन कर रखा है, इसका अर्थ ये निकलता है। तो शाकाहारी स्टेटस इसको प्राप्त हुआ है। अब देखें कुरुक्षेत्र के प्रमुख दर्शनीय स्थल, इसको हिंदी में कहेंगे दर्शनीय या फिर पर्यटन स्थल, टूरिज्म साइट्स। पहले का नाम लिखें 48 कोस परिक्रमा, अड़तालीस कोस परिक्रमा
कुरुक्षेत्र में है, ब्रह्म सरोवर। इस पॉइंट को एक बार नोट करें, फिर देखें यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न आते एग्जाम में। ब्रह्म सरोवर देखें भाई, ब्रह्म सरोवर के बारे में खास बातें क्या हैं? अगर हम पौराणिक कहानियों की बात करें, माइथोलॉजी के हिसाब से बात करें, तो भगवान ब्रह्मा, ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना यहीं पे की थी। इस पॉइंट को ऐड कर लेंगे, मान्यता अनुसार ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा के द्वारा इसी स्थान पे की गई। इसी स्थान पर ब्रह्मांड की रचना की गई। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, इसलिए क्योंकि यहां से पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है यूनिवर्स की, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, इसको हिंदी में कहेंगे सभ्यता, सभ्यता का पालना, पालना जिसमें छोटे बच्चों को झुलाते हैं, सुलाते हैं, वो पालना, क्रेडल, इसको बोलते हैं क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, क्योंकि यहीं पे ब्रह्मांड की रचना हुई, इसलिए इसको सभ्यता का पालना कहते हैं। एशिया के सबसे बड़े तालाबों में से एक है जो इंसान ने बना रखे हैं। उसके अलावा हरियाणा के एग्जाम, मुझे पक्का पता नहीं हरियाणा पुलिस था या हरियाणा क्लर्क था, पक्का इन दो में से कोई एग्जाम था एक, उसमें एक प्रश्न आया था कि महाभारत की लड़ाई जब चल रही थी तो उस समय दुर्योधन कहां जाके छिप गया था। दुर्योधन ने अपने आप को छिपाया था इसी तालाब में, नोट कर लेंगे, दुर्योधन ने श्रम को इसी तालाब में छिपाया था महाभारत की लड़ाई के दौरान। और फिर लास्ट पॉइंट देखें इसका, फेमस फॉर सोलर इक्लिप्स, यानी यहां लगता है सूर्य ग्रहण मेला, इसको ऐड कर लेंगे, यहां लगता है सूर्य ग्रहण मेला। उसके बाद एक तालाब का नाम लिखें, सन्निहित सरोवर, देखो इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, अगर इसकी स्पेलिंग में उच्चारण में दिक्कत है, देखो सन्निहित, सन्निहित सरोवर थानेसर में है। अब देखिए इसके बारे में क्या प्रश्न आते हैं एग्जाम में, प्रश्न आता है कि ऐसा स्थान बताएं हरियाणा में जहां पे सात सरस्वतियों का स्थान है, उसका मिलन बिंदु है, सात सरस्वती नदियों की भूमि, अगर पूछ ले कभी एग्जाम में तो सन्निहित सरोवर ऐड कर लेंगे इसको, सात पवित्र सरस्वती नदियों का स्थान सन्निहित सरोवर। और ऐसा मानते हैं, मान्यता अनुसार बात क्या है कि जो अश्वमेघ यज्ञ होता था, अश्वमेघ जिसमें एक घोड़ा छोड़ दिया करते, संभवतः जो है सफेद घोड़ा हुआ करता विशेष तौर पर, उसको छोड़ दिया करते और फिर वो जहां जहां जाया करता वही साम्राज्य इस साम्राज्य का हिस्सा माने जाया करते। तो ऐसा मानते कि जितनी ख्याति जितना हमें उस अश्वमेघ यज्ञ के बाद प्राप्त होता है, उतना ही जो है तप हमें इस सन्निहित सरोवर में नहाने के बाद होता प्राप्त। ये ऐसी मान्यता है, मान्यता होती मानने के हिसाब से, कोई मान्य तो है वरना कुछ भी नहीं है। तो ये है मान्यता अनुसार। दूसरा भाई और मेन पॉइंट, भगवान विष्णु, विष्णु का जो रहने का स्थान है, विष्णु का निवास, वो माना गया है सन्निहित सरोवर, इसको जरूर ऐड कर लेंगे, विष्णु का निवास स्थान, विष्णु का घर सन्निहित को बोलते हैं।
ज्योतिसर, इस तालाब का नाम लिखें ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र में है। यही वो स्थान है जहां पवित्र वो वट वृक्ष है, वही वृक्ष पवित्र वट वृक्ष जहां पे भगवान कृष्ण के द्वारा, जहां पे भगवान कृष्ण के द्वारा भगवत गीता का उपदेश दिया गया था। अगर पूछ ले प्रश्न कि बताओ भगवत गीता का उपदेश कहां पे दिया गया, तो उत्तर क्या आएगा? ज्योतिसर में। ज्योति यानी ज्ञान की ज्योति, प्रकाश ज्ञान जिस तालाब पे दिया गया, तालाब माने सर, सर सरोवर, तो उसलिए उसका नाम पड़ गया ज्योतिसर। और यहीं पे ऐसा मानते हैं कि महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले, मतलब जब वो अर्जुन लड़ने के लिए मना कर रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उससे पहले भगवान विष्णु ने अर्जुन को एक विराट रूप के दर्शन दिए थे। विराट रूप, अगर प्रश्न आ जाए विष्णु ने अपना विराट रूप कहां पे धारण किया था, तो वो यही स्थान माना गया है ज्योतिसर के पास में। और उसके बाद वो उपदेश दिया ज्ञान का, और यहीं पे है कल्पना चावला तारामंडल, इसको ऐड कर लेंगे। कल्पना चावला तारामंडल यहीं पे है। उसके बाद कुछ पॉइंट हैं जिनको नोट करना है। जैसे भाई इसका नाम तो हिंदी होता है, अंग्रेजी नाम तो बराबर रहेगा, ये कुरुक्षेत्र, पेनोरमा और साइंस सेंटर, इसको ऐड कर लेंगे। धरोहर म्यूजियम, श्री कृष्ण म्यूजियम, ये स्थान तो ऐड करने के हैं, तो खुद नोट करने पड़ेंगे। इनकी हिंदी इंग्लिश बराबर ही रहेगी। जैसे ये है धरोहर, इसको इस प्रकार लिख लेंगे, धरोहर संग्रहालय। म्यूजियम को बोलते हैं संग्रहालय, धरोहर संग्रहालय हो गया। शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा, वो भी थानेसर में है। शेख चिल्ली के मकबरे को बोलते हैं हरियाणा का ताज। इसको हरियाणा का ताज कहते हैं। बहुत बार आ चुका प्रश्न, ये हरियाणा का ताज किसको बोलते हैं? शेख चिल्ली का मकबरा। और शेख चिल्ली कौन था भाई? देखो शेख चिल्ली कौन है, दारासिको जो हुआ करता मुगल, एक मुगल का नाम है दारासिको, उस दारासिको के आध्यात्मिक गुरु का नाम था ये, ऐड कर लेंगे इसमें। दारासिको के आध्यात्मिक गुरु का नाम था शेख चिल्ली। उसके बाद कुरुक्षेत्र में यह प्रसिद्ध स्थान है, इनके नाम उतार लेंगे, जैसे भोर सैदान मगरमच्छ प्रजनन केंद्र,
भोर सैदान मगरमच्छ प्रजनन केंद्र और छिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको हिंदी में कहेंगे छिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य। छिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य और यह है श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय। तो ये था भाई हमारा दूसरा जिला भी हो गया, अंबाला हो गया, कुरुक्षेत्र। एक जिला हमने और भी करना है, इसका बल किया आज डिवीजन पूरा करना था, ये पंचकुला। अब की बार इस पंचकुला से कई प्रश्न एग्जाम में चल रहे हैं, पंचकुला से। इस पंचकुला में क्या ऐड करेंगे, एक तो इसकी स्थापना कब हुई जो बताया जाए, सिर्फ वो लिखना है कि पंचकुला की स्थापना कब हुई, 1995 में। इसका निकनेम यानी उपनाम, हिंदी में कहते हैं उपनाम। इसका उपनाम क्या है, चंडीगढ़ ट्राई सिटी। चंडीगढ़ का ट्राई सिटी में शामिल होता है ये, और चंडीगढ़ के ट्राई सिटी में कौन कौन है, मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला। जो ये तीन शहर हैं ये मिलके बनाते हैं चंडीगढ़ ट्राई सिटी, तीन शहर इकट्ठे मोहाली चंडीगढ़ पंचकुला। और पंचकुला का जो नाम निकलता है इसका मीनिंग वो है द सिटी ऑफ कैनाल्स, नहरों का शहर, इसको ऐड कर लेंगे। ये पंचकुला का नाम है नहरों का शहर, नहर कैनाल्स, नहरों का शहर पंचकुला। और पंचकुला में एक किला है, उस किले को बोलते हैं रामगढ़, रामगढ़ का किला, रामगढ़ का किला। इसको चाहे फिलहाल भी ना लिखे, इतना जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, पंचकुला में है चंडी मंदिर कैंट। कई बार एग्जाम में आता प्रश्न, एग्जाम जो हरियाणा का है या कोई और भी हो, सभी में यह प्रश्न आ चुका है, चंडी मंदिर कैंट या कैंटोनमेंट पूछता है एग्जाम में। और चंडी मंदिर कैंटोनमेंट में किसका हेडक्वार्टर है, यहां पे हेडक्वार्टर है पश्चिमी कमान का, पश्चिमी कमान, बहुत बार आ चुका प्रश्न, पश्चिमी कमान का मुख्यालय। चंडी मंदिर में एक प्रश्न बताएंगे, बहुत बार आर्मी के एग्जाम में आया है, एयरफोर्स वाले में भी आता एग्जाम में ये, और भी कुछ एग्जाम्स के अंदर आ चुका प्रश्न। आर्मी के एग्जाम का तो ये खास प्रश्न है, आर्मी एयरफोर्स नेवी, ये बताएं कि इंडियन आर्मी की कमान कितनी है, बताएंगे। एक कमान दयाली अपने हरियाणा में है, बताएं इंडियन आर्मी की कुल कमान कितनी है।
जल्दी उत्तर देंगे भाई। विशाल वर्मा ने उत्तर दिया है सात। गुलाब सात, सुमित नेहरा सात कमांड, बिल्कुल ठीक है। इंडियन आर्मी की सात कमांड है भाई। बहुत बार आता प्रश्न ये, या तो पिछली बार या उससे पिछली बार जो आर्मी का एग्जाम था वहां प्रश्न था पक्का। ये सात कमांड आर्मी में है, आर्मी के बच्चों के लिए अलग से बैच चलाएंगे। पंचकुला में एक स्टेडियम है, ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम। गलती करेंगे बच्चे यहां पे, ताऊ देवीलाल को सोच के किस पर लगाएंगे टिके, वो टिक करेंगे सिरसा, इसार साइड में कहीं होगा लेकिन पंचकुला में है ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम। देवीलाल के नाम से तीन ऐसी जगह हैं जो सिरसा की तरफ नहीं है। एक तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में, एक है चौधरी देवीलाल अरबल वाटिका, अरबल वाटिका वो यमुनानगर में, और एक बहुत बड़ा पार्क है देवीलाल पार्क वो रोहतक में। ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम पंचकुला। अब देखें पिंजौर जो है, उस पिंजौर में खास चीजें क्या जिन्हें क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पिंजौर का आकर्षण क्या है, आकर्षण जहां से एग्जाम में प्रश्न भी आते हैं। एक यहां पे है एचएमटी फैक्ट्री, एचएमटी फैक्ट्री जो बंद हो चुकी फिलहाल में, एचएमटी फैक्ट्री अब तो बंद कर दी गई, पहले हुआ करती। और इस एचएमटी का नाम था पूरा हिंदुस्तान मशीन्स टूल, हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी। एक ये गुरुद्वारे का जिक्र आता है नाडा साहिब, बल्कि इसके बजाय तो आप ये लिखेंगे, ये गुरुद्वारे तो हमने सारे अलग से ही करने हैं गुरुद्वारों की बजाय। अब देखें इसमें मुख्य स्थान जो जहां से प्रश्न आते हैं, यहां देखेंगे इस पे फोकस करें। यहां पे एक तो मनसा देवी कॉम्प्लेक्स है, इस पॉइंट को भाई नोट कर लेंगे, मनसा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स पंचकुला में। मनसा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स, मंदिर परिसर पंचकुला। उसके अलावा साथ में ये भी कर लेंगे चाहिए, नाडा साहिब गुरुद्वारा, मनसा देवी मंदिर है उसके अलावा नाडा साहिब गुरुद्वारा भी है। नाडा साहिब के अलावा जो है मोरनी की पहाड़ियां हैं, मोरनी की पहाड़ियां, नेशनल कैक्टस गार्डन। आ चुका प्रश्न ये, कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है नेशनल कैक्टस गार्डन, पूरा ना लिखे सिर्फ ये लिखे नेशनल कैक्टस गार्डन। ये कैक्टस गार्डन वही एशिया का सबसे बड़ा है, ये कैक्टस गार्डन एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है। यहां पे लगभग कम से कम भी 3,000 से अधिक प्रकार के कैक्टस पाए जाते हैं, 3,000 से भी अधिक प्रकार की कैक्टस की प्रजातियां।
इस कैक्टस को हिंदी में कहते हैं नागफनी, लेकिन एग्जाम में इसका ये हिंदी का नाम नहीं आता, वहां भी कैक्टस ही आता है हिंदी में भी, तो कैक्टस गार्डन के नाम से ही इसको लिखेंगे। और पंचकुला में क्या है? कौशल्या बांध, कौशल्या डैम। कौशल्या बांध भी है, अभी एग्जाम के अंदर आया था प्रश्न, ये हरियाणा वाले एग्जाम प्रश्न था ये, कौशल्या बांध। उसके अलावा फीसेंट ब्रीडिंग सेंटर, इसको बोलते हैं तीतर, तीतर प्रजनन केंद्र मोरनी में है। तीतर प्रजनन केंद्र, और साथ में यहां पे क्या है? जटायु, जटायु प्रजनन केंद्र, ये भी पिंजौर में है। तीतर और साथ में जटायु प्रजनन केंद्र, ब्रीडिंग सेंटर। उसके बाद एक ये भाई, यहां से भी बस बार बार आते प्रश्न, बीर शिकारगा, इसको हिंदी में इस प्रकार लिखेंगे, बीर शिकारगा वन्य जीव अभयारण्य, बीर शिकारगा वन्य जीव अभयारण्य, वो भी यहीं पे है पंचकुला। उसके बाद खोल ही रायतान, बहुत बार प्रश्न यहां से भी आता है, खोल ही रायतान, बढ़िया प्रश्न है। खोल ही रायतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य, पंचकुला में है। इसको हिंदी में लिखें तो इस प्रकार लिखें, रईतान, रे के ऊपर ऐ की मात्रा, खोल ही रईतान वन्य जीव अभयारण्य। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स, इसको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं जब मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, अब यह भी नोट कर लेंगे, भीमा देवी मंदिर परिसर या कॉम्प्लेक्स। इस भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं उत्तर भारत का खजुराहो, इसे उत्तर भारत का खजुराहो कहते हैं। अब एक प्रश्न लेंगे, ये बताएं खजुराहो के मंदिर किस राज्य में हैं? असली जो खजुराहो के मंदिर है वो किस राज्य में है? आंसर दिए गए हैं एमपी, बिल्कुल ठीक है, मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर हैं। और खजुराहो के मंदिर जो ये वाले, जो असली खजुराहो है वो किसने बनवाए थे? चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। जो मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिर हैं वो चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए, जबकि भीमा देवी का जो मंदिर है ये किसने बनवाया है? भीमा देवी का जो मंदिर वो बनवाया राजा रामदेव ने, निर्माता का नाम है राजा रामदेव, भीमा देवी वाले का।
उसके बाद पिंजौर गार्डन नोट कर लेंगे इसके बारे में, पिंजौर गार्डन्स 17th century यानी 17वीं शताब्दी का मंदिर है ये, 17वीं शताब्दी उस समय का बना मंदिर है, मुगल काल के जमाने का पिंजौर गार्डन। प्रश्न यह आता कि पिंजौर गार्डन का जो अन्य नाम है वो क्या है, यादवेंद्र गार्डन, यादवेंद्र गार्डन। यहां से प्रश्न आता है अब तो बस थोड़ी देर में गुड आफ्टरनून का टाइम हो गया है, बड़ा लेट आई। जो टॉपिक तुम्हारे रह गए थे डिस्ट्रिक्ट वाइज वो करवा रहा हूं फिलहाल। तो भाई इसको बोलते हैं यादवेंद्र गार्डन और इसी को बोलते हैं उत्तर भारत का नंदन वन। आ चुका है प्रश्न ये भी, उत्तर भारत का नंदन वन किसे कहते हैं, तो उत्तर आएगा पिंजौर गार्डन, इसको बोलते हैं उत्तर भारत का नंदन वन। बाकी इसको छोड़ सकते हैं, एक ये पॉइंट ऐड कर लेंगे, पंचकुला में क्या है, पंचपुरा की बावली, पंचपुरा की बावली, इस बावली को बावड़ी भी कहते हैं कई जगह पर, कुछ गांव में कुछ हरियाणा के जिलों में इसको बावड़ी भी कहते हैं, बावड़ी कई जगह पर बोलते हैं बावली। तो पंचपुरा की जो बावली है वो यहीं पे है पंचकुला में। उसके बाद इसको छोड़ें, मोरनी हिल्स में जो खास बातें हैं जहां से प्रश्न आता है, अब की बार हरियाणा वाले एग्जाम में जो अभी लास्ट में हुए थे, पता नहीं वो एग्जाम पटवारी का था या कौन सा एग्जाम था, वहां पे ये प्रश्न आया हुआ है टिकरताल झील कहां पे है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार एग्जाम में आया, उसके बाद ये क्वेश्चन लगातार चल रहा है, टिकरताल झील जो है पंचकुला में है। और ये झील कोई एक झील नहीं है, ये जुड़वा झीलें हैं, इसमें दो झीलें हैं, एक को बोलते हैं भीमताल, दूसरे को बोलते हैं द्रौपदी ताल। और इसमें जो भीमताल है ये बड़ी झील है और जो द्रौपदी ताल है वो छोटी झील है। नमस्कार भाई गौतम शर्मा। तो ये था टिकर ताल के बारे में, इससे क्वेश्चन अभी एग्जाम में आए हैं, अभी जो एग्जाम हुआ था थोड़ा सा मैं लॉकडाउन से कुछ पहले एग्जाम देखना उठा के उसमें आया हुआ प्रश्न ये मोरनी, फिर ये है ही तीतर वाला केंद्र है और कालका, कालका के बारे में देखें कहां से प्रश्न आते हैं कालका के विषय में। कालका शिमला रेलवे, यहां से प्रश्न आता है, अभी भी प्रश्न आया हुआ है कालका शिमला रेलवे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी हरियाणा में। इसको बनवाया गया हर्बर्ट सेप्टिमस हैरिंगटन। अगर ये पूरा नाम याद ना हो तो सिर्फ इतना कर सकते हैं एच एस हैरिंगटन, इसके द्वारा इसको बनवाया गया। अच्छा टिकर ताल देखा ममता, किस तरह की कैसा लगा फिर टिकर ताल? एच एस हैरिंगटन के द्वारा जो है इसको बनवाया गया, बनवाने का समय बनना शुरू हुआ 55 में,
बिल्कुल कंप्लीट हुआ 1913 में, लेकिन इसकी ओपनिंग जो है 1903 से ही कर दी गई थी। जो थोड़ा बहुत बन गया था उसकी शुरुआत 1903 में ही कर दी गई थी। और हरियाणा के एक एक दो एग्जाम में ये वाला प्रश्न आ चुका है कि कालका शिमला रेलवे की ओपनिंग कब हुई थी 1903 में। कालका शिमला रेलवे, इसके बारे में देखें कुछ और खास बातें भी हैं। जो कालका शिमला रेलवे है वो फिलहाल में, कालका शिमला रेलवे फिलहाल में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आता भाई, इसको नोट कर लेंगे। कालका शिमला रेलवे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, इसको बोलते हैं विश्व धरोहर। कालका शिमला रेलवे विश्व धरोहर में आता है। 2008 में इसको शामिल किया गया था तो वर्ल्ड हेरिटेज में काउंट होता है। ये था भाई हमारा एक इसमें जिला पंचकुला, और आज का इसका लास्ट तो जिला रहेगा यमुनानगर। ये छोटा ही इसमें जल्दी पूरा हो जाएगा। यमुनानगर की स्थापना 89 में। अच्छा बढ़िया जगह बता रही हूं दादा इसको कि बढ़िया जगह घूमने की। यमुनानगर नवंबर 1, 1989, ये हैं यहां के प्रसिद्ध स्थान जिनसे प्रश्न आते। यमुनानगर में जगाधरी, छछरौली, बिलासपुर, रादौर, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जगाधरी, छछरौली, बिलासपुर, रादौर, उससे आगे चले यमुनानगर, ये इसका पहले का नाम था। और यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, अब्दुल्लापुर, अब्दुल्लापुर जो है इसका पहले का नाम था और ये प्रसिद्ध है प्लाईवुड के लिए, लकड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा यह स्थान, प्लाईवुड इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यमुनानगर में एक स्थान है आदि बद्री, आदि बद्री के बारे में प्रश्न आ चुके हैं फिलहाल में। आदि बद्री को कहते हैं सरस्वती उद्गम तीर्थ, इसको सरस्वती उद्गम तीर्थ भी कहते हैं। उद्गम, जहां से नदी सरस्वती निकली उस स्थान को बोलते हैं उद्गम तीर्थ आदि बद्री। बाकी छोड़ देंगे ये, अगले प्रश्न को लेंगे। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल प्रश्न आता यहां से, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। यहां पर एक 100 साल पुराना डाक बंगला भी है, 100 साल पुराना डाक बंगला। भाई एसएससी कांस्टेबल का सिलेबस जो है ना एयरफोर्स वाई ग्रुप की तरह कुछ कुछ मैच करेगा, सारा मैच नहीं करता वो। डाक बंगला भी है। उसके अलावा यहां से प्रश्न आया है भी, ये चौधरी सुरेंद्र सिंह एलिफेंट पार्क, ये सेंटर यहां पे है, इसको नोट कर लेंगे। चौधरी सुरेंद्र सिंह एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर, इसको हिंदी में कहते हाथी पुनर्वास केंद्र, बहुत बार प्रश्न आ चुका है हाथी पुनर्वास केंद्र। और अगर एग्जैक्ट जगह पूछता है हाथी पुनर्वास केंद्र की तो आएगा बन संतूर में है, बन संतूर, नोट कर लेंगे, बढ़िया प्रश्न है। वन संतूर,
यहां पे है आथी पुनर्वास केंद्र और वो चौधरी सुरेंद्र सिंह के नाम पे है। और जो वन संतूर है ऐसा मानते हैं कि वो उसका नाम शुरू में रहा होगा वन शांतनु, वन शांतनु, धीरे धीरे नाम पड़ गया होगा वन शांतनु, फिर वन संतूर, ऐसा मानते हैं कि शायद ये वन संतूर इसका नाम शांतनु के नाम पे रहा होगा। चलो वो तो अलग बात है किसी के नाम पे हो, लेकिन अभी यहां पे प्रश्न ये है कि चौधरी सुरेंद्र सिंह आथी पुनर्वास केंद्र यहां पे बनाया गया है। उसके बाद ये देखो मैंने जो बताया था वही आ गया फिर से प्रश्न, चौधरी देवीलाल अर्बल नेचुरल पार्क यानी रुद्राक्ष वाटिका जड़ी बूटी पार्क यमुनानगर में है, और यहां पर भी अगर एग्जैक्ट स्थान आए तो उसका नाम आएगा चुहरपुर, चुहरपुर में है, यमुनानगर के चुहरपुर में। चनेट्टी का बौद्ध स्तूप, चनेट्टी जगह का नाम है, यमुनानगर में चनेट्टी का बौद्ध स्तूप है। कहां पे है? जगाधरी में है, चनेट्टी का बौद्ध स्तूप जगाधरी में। अयोन सांग एक चीनी यात्री था, वो अयोन सांग जो चीनी यात्री, उसके अनुसार इस चनेट्टी के बौद्ध स्तूप को अशोक ने बनवाया था, तो हम मान सकते हैं कि चनेट्टी का बौद्ध स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया होगा। जगाधरी में है बौद्ध स्तूप। जगाधरी, थोड़ा इसके बारे में जान लें, नाम अगर आया है तो बात इसकी भी कर लेते हैं। जगाधरी देखिए इसका नाम कहां से आया होगा, इसका नाम शायद यहां से आया है युगांधरी, इसका नाम आया है शायद युगांधरी के नाम पे, युगांधरी। युगांधरी हरियाणा में क्या है, हरियाणा साइड में थोड़ा ये को जय बोल दिया करते पहले, ये को जय, जैसे कि यमुना, हम यमुना को बोला करते जमुना, जमुना, तो युगांधरी का नाम पड़ गया हुआ धीरे धीरे जुगांधरी, फिर धीरे धीरे नाम पड़ गया जुगाधरी, और यूं करते करते अभी आ गया जगाधरी, तो अभी आजकल इसको जगाधरी कहते हैं। और ये किसके नाम पे है, ये नाम आया है युगांधर, युगांधर नाम के राजा के नाम पे, युगांधर एक राजा का नाम था, उसके नाम पे नाम पड़ गया युगांधरी, इसी को बोलते आजकल जगाधरी। ताजेवाला हेडवर्क्स, यहां से प्रश्न आते हैं भाई ताजेवाला के बारे में, ताजेवाला बैराज इसको बोलते हैं, बैराज या हेडवर्क्स बोलते हैं, यमुना के पानी को कंट्रोल करने के लिए इसको बनाया गया था 1873 में, लेकिन अब यह पुराना हो चुका है। इसमें देखो कैसे बनाया गया होगा, मान लिया कि यह है यमुना नदी, इस प्रकार ये यमुना नदी चली गई, यमुना नदी में उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा यहां बांध बना दिया, एक इधर से यमुना के पानी को रोक लिया ऊपर, उस हिस्से का नाम दिया ताजेवाला, फिर ताजेवाला से एक नहर निकाल दी, एक नहर तो निकाल दी इस साइड से, एक नहर तो यहां से निकाल के ले आए पानी, इस प्रकार एक नहर यहां से निकाल के उत्तर प्रदेश में ले गए। जो नहर इस तरफ से आई उसको बोलते हैं पश्चिमी यमुना नहर, क्योंकि इसके पश्चिम में है, वो हरियाणा से आ गई, जो उधर से गई उसका नाम पड़ गया पूर्वी यमुना नहर। तो ताजेवाला जो स्थान है उससे दो नहर निकाली गई थी, पश्चिमी यमुना और पूर्वी यमुना, और ताजेवाला स्थान अब पुराना हो चुका है इसलिए उसको रिप्लेस किया गया अथनी कुंड के द्वारा। तो ये भी प्रश्न आता है कि ताजेवाला को किस स्थान से बदला गया है, अथनी कुंड, यानी इसकी जगह पे एक नया बना दिया अथनी कुंड, इससे थोड़ा सा नीचे यहां चल के बना दिया, उसको बोलते हैं अथनी कुंड। कोई
पांच एक किलोमीटर का अंतर होगा इसमें, तो अथनी कुंड नाम से नया बांध बना रखा। अभी जो यमुना पानी को जो कंट्रोल करते हैं, यमुना के पानी को, वो ताजे वाला की बजाय अथनी कुंड से करते हैं। अथनी कुंड, अब ये भी देख लेंगे अथनी कुंड कब बना, 1999 में। और क्योंकि अथनी कुंड एक प्रकार का बांध है, ये जैसे ये यमुना नदी थी, इस यमुना नदी पे एक बांध बना दिया। अगर यहां पे कोई बांध बनाएंगे तो इसका मतलब है कि इसके पिछले भाग में पानी इकट्ठा हो जाएगा, दूर दूर तक यहां पानी भर जाएगा, क्योंकि नदी है, नदी के पानी को रोकेंगे तो झील तो बनेगी। वो जो झील यहां बनी हुई है वो अथनी कुंड की झील है। और इस अथनी कुंड की झील में एक खास बात क्या है, यहां बड़ी संख्या में मछलियां पाई जाती हैं, मछली, इसलिए इस अथनी कुंड को हम क्या बोलते हैं, मछुआरों का स्वर्ग, मछुआरों का स्वर्ग बोलते हैं इसको, मछुआरों का स्वर्ग अथनी कुंड को बोलते हैं। और झील है, दूर दूर तक फैल गई, तो आसपास के सभी जंगली जंतु वहां पानी पीने के लिए आते हैं इसमें, इसमें से अगर हाथी खास तौर पे, हाथी यहीं पे रहते हैं इसके आसपास में। और इतना अधिक पानी है तो यहां पे जो है जंगल भी पैदा हो गए इसके आसपास में। हरियाणा में एक खास जंगल जो है वो यहां पैदा हो रहे हैं, और उस जंगल को हम कहते हैं कालेश्वर के जंगल। और वो जो कालेश्वर के जंगल है उसमें कौन से पेड़ अधिक मिलते हैं, उसमें साल के पेड़ मिलते हैं खास तौर पे। उस जंगल में साल के पेड़ मिलते हैं, और ये साल के पेड़ों के आसपास में इन्हीं झुंडों में जो है यहां पे रहते हैं हाथी। हरियाणा में एक एस्टिमेट के अनुसार 7 हाथी फिलहाल में हैं, और वो सभी इसी जंगल में हैं। और इसी स्थान से पानी को कंट्रोल करने के लिए, पानी को कंट्रोल करने के लिए कुछ छोटे छोटे गेट लगा रखे हैं, इसमें बांध के अंदर से कुछ गेट बना रखे हैं। उस गेट को बोलते हैं 60 दरी, जो 60 दरी नाम का एक, उसमें अलग अलग छोटे छोटे बहुत सारे गेट हैं, उसको 60 दरी कहते हैं। तो प्रश्न आता है कि 60 दरी हरियाणा में कहां पे है, तो वो यमुनानगर में है। उतार लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लगभग 5100 हेक्टेयर में साल के जंगल हैं हमारे यहां पर। बुढ़िया, बच्चे गलती करते इसमें, उनको लगता कि कोई बुढ़िया रही होगी, बूढ़ी औरत कोई, लेकिन इसका हिंदी में इसको लिखते इस प्रकार है, बुढ़िया, बुढ़िया न कि बुढ़िया। तो ये बुढ़िया है भाई, बुढ़िया एक जगह है। और ऐसा मानते हैं कि जो बादशाह हुमायूं था वो शिकार करने के लिए जब शिवालिक के जंगलों में आया था, शिवालिक के जंगलों में, तो उसको लगा कि मैं यहां पे कैसे रहूंगा, मैं बादशाह हूं, तो उसने अपने आप को यहां अच्छे से रहने के लिए एक बिल्डिंग बनवाई। उस बिल्डिंग को बोला करते रंग महल, जहां पे रंग लिया, कहते कि बड़े रंग ले लिए, रंग आ गया। तो हरियाणा में रंग भी कहते कि रंग आ गया, रंग जम गया। वो रंग मतलब क्या है, मजा। तो मौज मस्ती का एक महल बनवाया गया, तो का नाम था रंग महल। पर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि रंग महल जो है वो हुमायूं का नहीं है, वो रंग महल जो है बीरबल का है, और बीरबल ने जो रंग महल है वो बनवाया था यहां पे, इसलिए इसको बोलते हैं बुढ़िया का रंग महल, या फिर बीरबल का रंग महल भी कहते हैं। इसको ऐड कर लेंगे, बुढ़िया के रंग महल को बीरबल का रंग महल भी कहते हैं। उसके बाद कपाल मोचन है यहां पे, बिलासपुर कपाल मोचन, इसमें बस ऐड कर लेंगे काफी है। ये जो बिलासपुर है, इस बिलासपुर का नाम शुरू में रहा होगा व्यासपुर,
इस बिलासपुर का नाम शुरू में रहा होगा व्यासपुर, और व्यास कौन था? महर्षि वेद व्यास, जिसने महाभारत की रचना करी। ऐसा मानते हैं कि महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास यहीं पे रहते थे, उन्होंने जो है शायद यहीं पे रहे होंगे, इसलिए नाम पे नाम पड़ गया व्यासपुर। व्यासपुर को आजकल नाम दे दिया बिलासपुर, और साथ में यहीं पे एक जगह और भी है कपाल मोचन, एक यहीं पे मंदिर है जिसको बोलते हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर, जगाधरी में है, उनके पास में, जगाधरी के पास में पंचमुखी हनुमान मंदिर है। हनुमान के पांच मुख बताते हैं, टोपरा है एक स्थान, टोपरा यहां से प्रश्न भी आता है, टोपरा से, टोपरा है, साढ़ोरा है, साढ़ोरा, साढ़ोरा का नाम कैसे पड़ा होगा? साधु रा, रा माने राही, रास्ता, साधु जो हरिद्वार जाने वाले, हरिद्वार से आने वाले साधु वो यहां से गुजरा करते या विश्राम कर लिया करते, नाम पड़ गया साधु रा, साधु रा से फिर क्या पड़ गया साधोरा, फिर साढ़ोरा, इस प्रकार इसको साढ़ोरा कहते हैं फिलहाल में। और एक यहां पे क्या स्थान है, सुग, जगाधरी के पास में एक स्थान है, नाम है सुग, एक प्राचीन टीला। सुग स्थान पे खास बात क्या है, यहां से एक नई चीज मिली है, वो क्या है देखें, 2000 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी वानर सेना, वानर सेना के अवशेष पाए गए हैं। वानर सेना भी कौन सी, मिट्टी की बनी हुई, टेराकोटा मिट्टी की बनी हुई पूरी वानर सेना के अवशेष पाए गए हैं जगाधरी के पास के सुग स्थान से। वानर सेना टेराकोटा की बनी हुई, इस मिट्टी की बनी हुई पूरी वानर सेना के अवशेष पाए गए हैं। उसके बाद ये था हमारा, इसमें जगाधरी यमुनानगर कंप्लीट हो चुका है, और एक हमने पूरा पढ़ लिया डिवीजन आज, अंबाला डिवीजन, बाकी हम करेंगे कल। तो आज वाली क्लास में इतना ही काफी है। नमस्कार, धन्यवाद।